का स्कोर है 164 रन एक विकेट के नुकसान पर। और इस समय श्रेया शैयर, गौतम गंभीर और एक और जो हेड कोच है पंडित सर, ये तीनों काफी ज्यादा चंद्रकांत पंडित सर परेशान नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए फिर से बाउंसर गेंटी लेग स्टंप पर और परिणाम फिर से 6 रनों के लिए। बल्ले के बीचों बीच रहते हुए गेंद को भेज दिया सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। पंजाब की टीम इस समय अब 50 गेंदों पर 92 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। ये क्या हो रहा है? और पंजाब के लिए जॉनी बेस्टो ने वही काम करना शुरू कर दिया जो आपके चैनल ने कहा था कि हो सकता है कि आज मार्कस स्टोइनिस बन जाए। जिस तरीके से मार्कस स्टोइनिस ने मैच जिताया था चेन्नई के खिलाफ, शतक लगा करके लगातार फेल हो रहे थे, वैसे ही जॉनी बेस्टो को ड्रॉप किया गया, दोबारा मौका मिला और इस समय जॉनी बेस्टो ने धागे खोल दिए हैं गेंदबाजों के। 11.4 ओवर में पंजाब की टीम का स्कोर 170 रन एक विकेट के नुकसान पर। लगभग देखा जाए जो रन रेट है वो 14.57 यानी कि 15 के आसपास। जॉनी बेस्टो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 35 गेंदों पर 85 रन बना करके खेलते हुए ओवर की चौथी गेंद करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। आंध्र रसल की गेंद यॉर्कर थी ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव कर दिया डीप कवर के क्षेत्र में। रघुवंशी ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था सीधे गेंदबाज के हाथों में। 2 रन ले लेंगे बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और इस समय 87 रनों पर पहुंच जाएंगे। मात्र 36 गेंदों का सामना किया है। T20 वर्ल्ड कप आने से ठीक पहले जॉनी बेस्टो तमाम गेंदबाजों को धराते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिल्कुल भी इंडियन प्रीमियर लीग में इनका फॉर्म था नहीं और टेस्ट मैचेस जो भारत के खिलाफ में हुआ वहां पर भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कोलकाता में भी पंजाब के सपोर्टर्स हैं जो कि नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए आंध्र रसल की गेंद, इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था डीप की। 22 रन पंजाब की टीम ज्यादा बनाने में कामयाब हो गई है और अब जाकर के सुनील नारायण को बुलाया जा रहा है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, अगर सुनील नारायण बढ़िया गेंदबाजी कर दें तो अच्छी बात होगी। लेकिन इस समय अब अलग जोन में आ चुके हैं बल्लेबाज जॉनी बेस्टो 88 रनों पर बैटिंग करते हुए। अब पहली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्लेबाज ने गेंद को कट कर दिया सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही पंजाब की टीम का स्कोर 177 रन एक विकेट के नुकसान पर। 12.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। रब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण जॉनी बेस्टो 90s में आ गए हैं। 92 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों का सामना किया है और 242.11 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने डीप कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा रिंकू सिंह के द्वारा, थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर के हाथों में और इस सिंगल के साथ ही स्कोर अब 178 रन एक विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस समय चंद्रकांत पंडित सर और साथ ही साथ गौतम गंभीर जी दोनों ही परेशान नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान इस समय बिल्कुल परेशान, पसीने पोंछते हुए तमाम केकेआर के सपोर्टर। ओवर की तीसरी गेंद करेंगे सुनील नारायण बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार ओवर द विकेट गेंद करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, स्वीप मारने के लिए गए, हवा में गेंद खड़ी हो गई है और श्रेया शैयर ने कैच कर लिया और इसी के साथ ही रैली रूसो को आउट कर दिया है गेंदबाज सुनील नारायण ने। लेकिन याद कीजिए कि बार बार आपका चैनल ये कह रहा था कि सुनील नारायण को क्यों निकाला था गेंदबाजी करने से, जब लगातार 4 डॉट गेंदे की और उसके बाद रैली रूसो दोबारा स्ट्राइक पर आए थे नए ओवर में, उसी समय फिर से सुनील नारायण का इस्तेमाल करना चाहिए था श्रेया शैयर को। लेकिन बड़ी भारी गलती कर दी और दोबारा जैसे ही रैली रूसो सुनील नारायण के खिलाफ स्ट्राइक पर आए, विकेट देकर के जा रहे हैं, दूसरे विकेट का पतन हो गया। लेकिन इस बीच में 26 रन ठोक दिए रैली रूसो ने और ये जो 26 रन है वो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए महंगा पड़ेगा और कप्तानी में कहीं ना कहीं और मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। इस समय कप्तान श्रेया शैयर को, बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, टीम जीत भी रही है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पर काम करने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जो डगआउट में बैठे हुए हैं बड़े बड़े चेहरे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल शशांक सिंह आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और
देखा जाए तो इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और अब तक इन्होंने कोई रन बनाया नहीं है। पहली गेंद का सामना करेंगे। 12.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक की गई है। 45 गेंदों पर 84 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। शशांक सिंह, जिनको कि पहले पंजाब की टीम ऑक्शन में खरीदना नहीं चाहती थी लेकिन बाद में खरीदना पड़ा, उसके बाद यही शशांक सिंह इस समय पंजाब के सबसे बड़े देखा जाए तो इस समय मुश्किल समय में मैच विनर खिलाड़ी बन करके उभरे हैं। और इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण। शशांक सिंह दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, इनके लिए खिलाड़ी को स्लिप में भी लगा दिया गया है। इस बार शॉर्ट ऑफ गुडन गेंद थी, ऑफ जंपर, बैक फुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया था लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 178 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की पांचवी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से देखा जाए तो इस समय अब शशांक सिंह गुडलैंड पर गेंद टॉप स्टंप से बाहर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेलने के लिए गए थे बल्लेबाज लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। सुनील नारायण ने अब तक 2.5 ओवर में मात्र 18 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है और अब आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की सुनील नारायण। दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशांक के लिए, एक खिलाड़ी स्लिप में इस समय श्रेयस अय्यर खुद ही मौजूद है, कवर पर भी खिलाड़ी मौजूद है जबकि 2 खिलाड़ी को ऑफसाइड में 30 गज के बाहर, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 3 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड में 30 गज के बाहर लगा करके रखा गया है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हैं, गुडलैंड पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खा करके अंदर की तरफ आई थी, बैक फुट पर गए बल्लेबाज और कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक की गेंद को